संसद का मानसून सत्र शुरू होने से पहले सभी सांसदों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। 30 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इनमें सुखवीर सिंह जौनपुरिया भी शामिल है, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो शंख बजाकर कोरोना का इलाज बता रहे थे। अब उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिर उनका वही वीडियो खूब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि उस वीडियो में सुखवीर सिंह जौनपुरिया कीचड़ में बैठकर शंख बजा रहे थे। वायरल वीडियो में सुखवीर सिंह ने दावा किया था कि शंख बजाना और कीचड़ में नहाने से इम्यूनिटी बढ़ती है और इससे कोरोना वायरस से संक्रमित होने से बचा जा सकता है। अब सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद उनका शंख बजाने वाला वीडियो वायरल हो गया है। देखिए, मेरा नेचुरली मानना है कि जिस हिसाब से आपके लंग्स और किडनी अगर दोनों चीज क्लियर है, दोनों चीज काम करते हैं और उसमें शंख का बजाना बहुत बड़ी बात है। मैं 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूं। मैं पहले 10-20 सेकंड बजाता था, उसके बाद नहीं बज पाता था, लेकिन अब लगातार प्रैक्टिस से जिस हिसाब से करीब 2 मिनट तक शंख बजा लेता हूं, मैं समझता हूं आप सबको भी ये बात का करना चाहिए। मैंने पहले भी जिस दिन कोरोना शुरू हुआ था 22 तारीख को मैंने अपना एक वीडियो डाला था और उसमें कहा था कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाइए। इम्यूनिटी दवाई खाने से नहीं आती, आपको नेचुरली से इम्यूनिटी मिलेगी। आप धूप में जाइए, बारिश में भीगिए, मिट्टी में बैठिए, खेत में काम करिए, पैदल चलिए, साइकिलिंग करिए, शंख बजाइए और देसी चीज खाइए। इन सब चीजों से इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सबको भी अगर इतना भी डर लगता हो, मेरे टोंक सवाई माधोपुर आ जाइए, मैं आपको किसी गांव में ठहरा के दिखाता हूँ। अगर आपको दूर दूर तक भी कहीं बीमारी आ जाए, माननीय प्रधानमंत्री ने इस बात का धन्यवाद किया है कि जिस हिसाब से लोग गांव में रहते हैं, गांव के लोगों की इम्यूनिटी जिस हिसाब से उन्होंने देखी और कहीं भी दूर दूर तक भी कोरोना नहीं आया, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात का धन्यवाद किया है। और मैंने पहले दिन इस बात को कह दिया था कि राजस्थान प्रदेश के लोगों के अंदर में कोरोना कहीं दूर दूर तक भी नजदीक नहीं आएगा। आज वही बात सिद्ध हुई है। तो मैं आज सबसे फिर कहना चाहता हूं कि आप इम्यूनिटी की दवा खाने की बजाय आप खाते रहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर जिस हिसाब से आप बाहर निकलोगे, बाहर धूप में जाओगे, बारिश में जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी उतनी ही मजबूत होगी और कोरोना आपको दूर दूर तक भी कहीं नहीं छुएगा।